सो मैं मैम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे जैसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इन बच्चों को, कि हमारे प्यारे बच्चों को पढ़ाने के लिए 17 से 18 घंटे कंटिन्यू हार्डवर्क कर रहे हैं। मैं और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले 2 साल में बच्चों का ऑनलाइन ऑफलाइन होने के कारण बच्चों का पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाया और ठीक से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ एक और चीज़ भी है, कुछ बच्चे 10 से डायरेक्ट 11, 12, 12 में डायरेक्ट एग्जाम दे रहे हैं, उनका मीडियम भी चेंज हुआ है। कुछ बच्चे मराठी मीडियम में थे, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में थे, जिसके कारण 12th में आया तो उनको जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं हो पाया। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है। फिर भी मैम मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय बच्चा, हर बच्चा बहुत ट्राई कर रहा है, जिसने कुछ भी नहीं किया, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी दिन रात बैठ के, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहा है, दिन भर बैठ के मेहनत कर रहा है। और जिस बच्चे को आता है, जिसने किया हुआ है, वो और अच्छा ट्राई कर रहा है। मैम पर ये 1-2 दिन से जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो चल रहा है, उसको देख के कहीं ना कहीं कुछ बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं। अब बहुत लोग ये बोलेंगे डीमोटिवेट क्यों, जो जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। नहीं नहीं अगर मैं भी उसी एज में रहता, चलो 0.1% बच्चों को छोड़ दिया जाए, ज़्यादातर बच्चे ये सोचेंगे नहीं, मैं अगर मुझे उसको कैसे, मैं तो दिन रात पढ़ रहा हूँ तो मुझे मार्क्स मिल रहा है, उसको ऐसे मार्क्स मिल रहा है, तो ये सोच सोच के उनकी पढ़ाई पे खुद फोकस नहीं जाएगा। तो मैम मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर जगह हर टीचर्स यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि नेक्स्ट एग्जाम में प्लीज़ मैम ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि यहाँ दो डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है, दो चीज़ें क्रिएट हो जा रही। एक ऐसे बच्चे जिनको यहाँ और यहाँ और यहाँ भी देखने दिया जा रहा है, और कुछ ऐसे बच्चे जिनको आंसर शीट ला के डायरेक्ट दे दिया जा रहा है। सो कहीं ना कहीं ये गलत है। अब मैं आगे वाले पेपर की बात कर रहा हूँ कि मैम आगे वाले पेपर में ऐसा कुछ भी ना हो, और बच्चे जब एग्जाम हॉल से निकले तो अपनी मेहनत के दम पे, अपनी जो दिन रात जो उन्होंने मेहनत किया हुआ है और सब बच्चा कर रहा है, हर बच्चे कर रहे हैं, उनको उसी तरह की चीज़ें मिले। सो मैम प्लीज़ मेरे रिक्वेस्ट पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। गाइज आपको लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, मैं जहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।